ओम शांति। आज की सुंदर मंगल प्रभात में हम सभी परमात्मा की छत्र छाया में बैठे हैं। मैं सादर सम्मान करती हूँ मंचस्थ महानुभावों का एवं सभा में उपस्थित हमारे युवा भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। जोरदार ताली तो बजाओ अपने लिए। मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, ये तो हम सब समझते हैं, मानते भी हैं, जानते भी हैं, क्योंकि सृष्टि पर एक ही मनुष्य ऐसा है जिसके पास मन बुद्धि जैसी दिव्य चेतनाएं हैं। और ये मन बुद्धि संस्कार जैसी दिव्य चेतना के जरिए वो जो बनना चाहे वो बन सकता है और वो जो करना चाहे वो कर सकता है। और मनुष्य जीवन में फिर युवा काल का महत्व विशेष है, क्योंकि युवावस्था में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति, जितने विशिष्ट प्रकार से अपने में बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है। मित्रों, ये हम जानते हैं कि जीवन के अंदर बहुत मूल्यवान कुछ है, तो वो क्या है? क्या है? ऊर्जा। अच्छा, और कोई सुनाए लाइफ में एक बहुत मूल्यवान राइट। कहा जाता है टाइम इज मोर देन मनी। समय जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं, समय को पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, समय को लंबा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए युवा काल की भी लिमिट है। दुनिया के मेजरमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने तो 18 से 30 साल बोल दिया। हमारे जैसे संस्थाएं 18 से 30 साल बोल देती, 35 साल बोल देती हैं। परंतु जो बहुत युवा स्पिरिट वाले होते हैं तो उनके लिए एज नहीं गिनती की जाती है, करेज देखी जाती है। यूथ इज नॉट एज, यूथ इज करेज। तो मित्रों, आज का विषय जो है वो बहुत अच्छा है। हमें अपने आप के अंदर से कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हीरो विदिन। हरेक के अंदर डायमंड है, हीरो है, चैतन्य सत्ता है, चैतन्य शक्ति है। लेकिन आप हम सभी इतना तो महसूस करते हैं, आज का इंसान
चाहे बड़ा है चाहे बूढ़ा है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, चाहे भोगी है चाहे रोगी है, चाहे गरीब है चाहे धनवान है, लेकिन देखने से क्या लगता है, सब लोग खोए खोए हैं। कहाँ खोए हुए नजर आते हैं, घर में है फिर भी खोए हुए हैं, कार्य क्षेत्र पर है खोए हुए हैं, अकेले हैं फिर भी खोए हुए हैं, सोए हुए हैं फिर भी खोए हुए हैं। सही बात है, सही बात है, खोए हुए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। और लॉस्ट होके कौन से दो प्रश्न उनके हमेशा अंदर चल रहे हैं, कोई है बहुत बड़े बड़े अवार्डीज हैं लेकिन खोए हैं, कहाँ खोए हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कौन, आखिर ये दुनिया में मेरा कौन, और मेरा क्या, यही दो क्वेश्चन है ना। लाइफ की ना कोई सेफ्टी नजर आ रही है ना कोई सिक्योरिटी नजर आती है, बस खोए हुए हैं, लॉस्ट हैं। लॉस्ट होने का पहला कारण ये है कि अपने समय का मूल्य इंसान को मालूम ही नहीं है। जिंदगी में एक ही चीज बहुत कीमती है और वो है समय। और मैं युवाओं को दोष नहीं देती हूँ, मुझे युवाओं से बहुत प्यार है। आज किसको भी हम दोष नहीं दे सकते हैं, न बड़ों को दोष दे सकते हैं, न छोटों को दोष दे सकते हैं, न मीडिया को दोष दे सकते हैं, हम किसको दोष नहीं दे सकते, किसी को दोषी नहीं बना सकते हैं। लेकिन हमें रीजन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। आज मनुष्य दूसरों से मान की अपेक्षा करता है, कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे सम्मान दे, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे आगे बढ़ाए, कोई ऐसा हो जिसको मैं अपना कह सकूं। हर एक के सामने यही भूख है और ये हर एक की ही परिस्थिति है, कोई लाइफ से तृप्त है ही नहीं, तो कौन किसको दे सकेगा। तो क्या इस क्वेरी का कोई समाधान नहीं, एक छोटी सी कहानी है, हम क्या कर रहे हैं। एक बूढ़ी माता थी, वो अपनी कुटिया के बाहर शाम के टाइम कुछ ढूंढ रही थी। एक युवक ने देखा ये बूढ़ी माता कुछ कर रही है, वो गया और पूछा माँ मैं कुछ मदद करूं। बोला हाँ बेटा करो ने मदद। बोला क्या हुआ माँ। मेरी सुई गुम हो गई है। तो वो युवक पूछता है कि माँ सुई कहाँ गिर गई थी। माँ कहती है बेटा सुई तो अंदर गिर गई थी। तो बोला माँ आप बाहर ढूंढ रही हो। बोला यहां बाहर उजाला है ना, इसीलिए मैं
बाहर ढूंढ रही हो, ये किसकी कहानी है? ये किसकी कहानी है? जवाब तो दो, समझा नहीं समझा, समझा नहीं समझा, ये कहानी किसकी है? ये आप हम सबकी कहानी है कि चैतन्य अंदर है, जो कुछ मिलना है वो अंदर से मिलना है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर की चमक दमक तो हम समझते हैं बाहर मिलेगा, लेकिन वो बाहर तो नहीं है। तो अंदर क्या है और अंदर से मिलेगा कैसे हमें? मित्रों, मैं 14 साल की थी, विवेकानंद को पढ़ा, महात्मा गांधी जी को पढ़ा, मेरे अंदर में एक बहुत ही प्यास थी कि मुझे कुछ ऐसा बनना है, कुछ विशेष बनना है, ऑलराउंड बनना है, एक्टिव बनना है, बहुत कुछ लाइफ में करना है। इसलिए मैंने 2 बात फाइनल कर ली कि एक तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, भगवान से शादी करूंगी, क्योंकि भगवान हाईएस्ट ऑफ द हाई है, वो मेरा बन गया तो बाकी तो सब बन ही गए, भगवान से शादी करूंगी। और दूसरा, मैं अपनी लाइफ कोई 15-20-25-50 की फैमिली के लिए यूज नहीं करूंगी, पर सारी यूनिवर्स के लिए मैं अपनी लाइफ को यूज करूंगी। 14 साल की उम्र में ये संकल्प मैंने तय कर लिया, और उसको तय करने के बाद उसी खोज में मैं लगी हुई थी कि मुझे भगवान आखिर मिलेगा तो कहां से मिलेगा। मैं भगवान को पाने के लिए रोज 5 घंटा साधना करती थी, सुबह 3:30 बजे से 8:30 बजे तक 5 घंटा, रोज गीता का 2 अध्याय पढ़ना, रोज सत्यनारायण की कथा पढ़ना, शिव महिमा स्त्रोत करना, गायत्री 40 करना, शिव टेम्पल में जाना, और विवेकानंद का राजयोग, यम नियम आसन ध्यान धारणा नीति समाधि, और अंत में कुंडलिनी की साधना की ओर जा रही थी, तब मुझे ये संस्था मिली। यहां आते ही जो मेरी खोज थी, जो मेरी झंखना थी, जो मेरा विजन था, वो सब मुझे कुछ सेकंडों में मिल गया। पहला कदम ये रहा, मुझे सफेद वस्त्र वाली एक 24-25 साल की यंग बहन ने समझाया कि आप चंद्रिका बहन नहीं हो। पहले मुझे पूछा आपका नाम क्या, मैंने कहा चंद्रिका बहन, बोला आप चंद्रिका बहन नहीं हो, आप एक आत्मा हो। और फिर आत्मा का परिचय दिया कि आत्मा क्या है, कैसी है, किस विशेषता वाली है, किस गुण वाली है, किस शक्ति वाली है। मेरी लाइफ का सीक्रेट, पर मैं सबको ओपनली कहती हूँ, मेरे अंदर एक जबरदस्त क्रोध था, बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा ऐसा था, मैं मेरे से छोटे भाई बहनों को मारती थी, मैं खुद पर भी गुस्सा करती थी, अपना सिर दीवार में पछाड़ती थी, इतना गुस्सा था। किचन में गई तो चम्मच का 2 टुकड़ा कर लेती थी।
अब इस गुस्से को मैं कैसे छोड़ूं? उसके लिए भगवान को रोज कहती थी कि भगवान मुझे कोई कैसा मिल जाए जो मेरा गुस्सा छुड़ा दे, उसको मैं मेरी पूरी लाइफ दे दूंगी। पर कोई मेरा गुस्सा छुड़ा नहीं सका। पहला दिन का लेसन मिला, उसमें ये बताया कि मैं आत्मा हूं, प्रकाशमय बिंदु हूं, और मुझ आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार तीन चैतन्य सत्ता हैं, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान, और मैं आत्मा वहां रहती हूं जहां भगवान रहते हैं। मेरा असली घर वो है, सोल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ पीस, शांति की दुनिया, ये मेरा घर है। और मैं वहां से यहां सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूं, और यहां आके ये शरीर धारण किया है। जाऊंगी तो ये शरीर छोड़ के चली जाऊंगी, पर मैं हूं आत्मा, और शांति देश की रहने वाली, शांति के सागर पिता की संतान, शांति स्वधर्म में स्थित रहने वाली, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बस मेरे लिए इतना काफी हो गया। मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, घर में गई, पार्टी, पेन, पोचा लिया। मैं हमेशा जीवन की हर कैरियर में नंबर वन रही, पढ़ने में, डांसिंग में, सिंगिंग में, गेम्स में, हर चीज में नंबर वन रही। मैंने पार्टी पेन उठाया और लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति के सागर की मैं संतान हूँ, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। ये लिखते लिखते मुझे सोच आया कि अगर मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो ये गुस्सा कहाँ से आता है? ये क्रोध मेरे में आता कहाँ से? मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा तो शांति धर्म वाली हूं, ये मेरा धर्म ही नहीं है। उसी बात को चिंतन करते करते लिखती गई, लिखती गई, बुझती गई, लिखती गई, बुझती गई, ऐसे करते करते मुझे एक गहरी शांति की अनुभूति हो गई। दूसरे दिन मैं गई तो मैंने टीचर से पूछा, मुझे ये बताइए कि जब आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा की ओरिजिनलिटी शांति है, आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का पिता शांति का सागर है, आत्मा का घर शांत है, तो ये क्रोध कहाँ से आया मनुष्य में? और ये क्रोध आने का कारण क्या है? उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया कि जब हम अपने को शरीर समझते हैं, देह समझते हैं, और देह के कॉन्शियस में आते हैं, मैं, मेरा, ये कॉन्शियस में आते हैं, और फिर मैं और मेरा और दूसरों का वो जब हम देखते हैं, और जब हम दूसरों की कमियों को देखते हैं, कमजोरियों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, भूलों को देखते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है हमारी एक्सपेक्टेशन के प्रमाण, तो हमें गुस्सा आता है। तो हमें ये समझना है कि मैं आत्मा मालिक हूं,
मैं आत्मा मास्टर हूँ और मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। अगर आप ये समझ करके चलेंगे कि मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, आपकी वाणी में शांति आ जाएगी। मैं आत्मा आँखों के द्वारा देख रही हूँ, आपकी दृष्टि में पवित्रता और शांति झलकेगी। मैं आत्मा शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ, आपके अंदर इतनी स्वस्थता और श्रेष्ठता आ जाएगी। आपके व्यक्तित्व के अंदर स्वस्थता और श्रेष्ठता आ जाएगी। और कहते हैं, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा चाड़ी खाए, ऐसा गुजराती में बोलते हैं। अगर आप आत्मस्वरूप में रहेंगे, स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो आपके आत्मा के सातों ही गुण मेघ धनुष की तरह आपके व्यक्तित्व में निखरेंगे। प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, बस सुनते ही मेरे कपाट खुल गए बुद्धि के, और मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो गई कि मुझे जो चाहिए था मिल गया। बस मुझे यही तो चाहिए था। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि ये जो सत्य आपने बताया, आपको ये सब मालूम कहां से पड़ा? आपको इतना सत्य सीक्रेट बताया किसने? तो बोला, आत्मा के पिता ने। मैंने कहा, आत्मा का पिता कौन है? कहते, आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? परमधाम में रहते। परमधाम कहाँ है? चांद तारों से पार है। तो मुझे परमात्मा का परिचय मिला। अब परिचय ये तो एक बहुत वैल्यूएबल चीज जीवन में होती है। जैसे टाइम वो बहुत मूल्यवान है, वैसे पहचान, अगर किसी बड़े के साथ हमारी पहचान होती है तो हम बड़ा ऐसे कंधे चढ़ा करके कहेंगे, हाँ इनको मैं जानता हूँ, कुछ काम हो तो मेरे को बोल देना। मेरे को नशा चढ़ गया, वाह भगवान को मैं जान गई, मैं भगवान को जान गई, अब मेरे को किसी से काम नहीं है, अब मैं और मेरा भगवान हम लोग समझ लेंगे। दूसरे दिन से परमात्मा के साथ बुद्धि को कनेक्ट करने का चालू हो गया कि परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, और वो मेरे पिता हैं। तो जैसे मेरे पिता हैं वैसे मैं होनी चाहिए, स्वाभाविक है, जैसा बाप वैसा बेटा। तो तीसरे दिन मैंने कहा, 7 दिन का कोर्स था, तीसरे दिन मैंने कहा कि ये जो आपने परमात्मा का परिचय दिया, ये तो बहुत अच्छा है, पर मुझे उसको मिलना है तो क्या करना पड़े? ये शरीर छोड़ देना पड़ेगा मेरे को, और शरीर छोड़ के जब मैं ऊपर चली जाऊंगी तब मेरे को मिलेगा। बोला, नहीं, शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको परमात्मा को बुद्धि से मिलना है। बुद्धि से मिलना है? बोला, हाँ, हम बुद्धि से ही तो सब कुछ करते हैं। आपकी आत्मा शरीर में है तो आप शरीर द्वारा सब कुछ कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, उठ सकते हो, बे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आपके माता पिता कोई दूसरे शहर में हो तो भी आप उनसे बात कर सकते हो? मैंने कहा, बात तो करते हैं,
करते हैं ना, माँ बाप दूसरे शहर में हैं, हम दूसरी जगह बैठे हैं, दूर बैठे हैं, फिर भी हम बात करते हैं एक दूसरों से। परिचय होने से क्या होता है, संबंध जुड़ता है, संबंध जुड़ने से स्नेह बनता है, स्नेह बनने से हमें उनकी याद आती है, और याद में जबरदस्त ताकत है। स्मृति शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। देखो, स्मृति के आधार पर हम पढ़ते हैं, नंबर लेते हैं, अपनी कैरियर बनाते हैं, बुद्धि की स्मृति शक्ति के आधार पर ही सब कुछ करते हैं ने? तो जो कुछ है वो आत्मा की बुद्धि की स्मृति शक्ति में है। तो बोला, जैसे आप आपके माता पिता, भाई बहन, मित्र सबको याद करते हो, वैसे ही आपको जो शिव बाबा का परिचय दिया है ने, उस परिचय को आपको बुद्धि से याद करने का है। और आत्मा के सारे संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने हैं, और जब आप परमात्मा के साथ सारे संबंध जोड़ेंगे और आप उनसे बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेगा और आपके हर सवाल का वो जवाब देगा, आपकी हर डिमांड वो पूरी कर लेगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना सिंपल ये राजयोग है, मेरे को करना है। तो मैं योग की गहरी प्रैक्टिस अपने जीवन में करना शुरू कर दिया, और जिसके द्वारा मैंने पाया कि लाइफ में एक जादू की तरह परिवर्तन आया, और जब मुझे इतनी ऊंची प्राप्ति हो गई और मुझे लगा कि मेरे को जो चाहिए था वो सब मिल गया, अब तो मैं इतनी समृद्ध बन गई, इतनी प्राप्तियों से भरपूर हो गई कि मैं सारी दुनिया को जो देना चाहूं दे सकती हूं, प्रेम दे सकती, आनंद दे सकती, खुशी दे सकती, उनकी सेवा कर सकती, उनके लिए जान लुटा सकती, मैं सब कर सकती हूँ सारी दुनिया के लिए, और यही तो मेरे को चाहिए था। और मैंने संकल्प कर लिया कि मेरी ये जीवन इस संस्था के अंदर आज से समर्पण कर रही हूँ। मन से उसी समय समर्पण कर दिया, चाहे इस संस्था में झाड़ू लगाना पड़े, बर्तन मांजना पड़े, टॉयलेट सफाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। तब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, मैंने अपने जीवन को भगवान को अर्पण कर दिया, और आज बड़े गौरव के साथ मैं कहती हूँ, जो मेरी कहानी है वो आप हरेक की कहानी है। नंबर वन, हम हरेक को ये कॉन्शियस में रहना है कि मैं यूनिक हूँ, मैं आत्मा यूनिक हूँ। शरीर भी वैसे तो कोई का किसी से मिलता नहीं है, मैं यूनिक हूँ, मेरे जैसी कोई व्यक्ति पास्ट में हुई नहीं है। पक्का सुन लीजिए, मेरे जैसी व्यक्ति कोई पास्ट में हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली नहीं है, वर्तमान में है नहीं। मैं अपने आप में एक यूनिक व्यक्तित्व हूँ और यूनिक अस्तित्व हूँ, और भगवान की डायरी में मेरा स्पेशल नाम लिखा हुआ है, और उसी नाम के साथ स्पेशल काम लिखे हुए हैं, वो मुझे इस जीवन में करने हैं। ये हम हरेक के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि हरेक यूनिक है। मित्रों, इतना सत्य समझने से आपकी मन की शक्ति के 95% बचा सकेंगे। बचाना है, देखो कैसे।
आप हर एक अपने अंदर में जाके सोचो, 95% चिंतन किस में चलता है? कंपैरिजन कंट्रास्ट, मैं कैसी हूँ, ये कैसा है, ये कैसी है, ये कैसा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए। हम सारा समय एक तो दूसरों का सोचते हैं और दूसरों का फालतू सोचते हैं बिना मतलब का। हमारे ये सोचने से कुछ भी मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा, परंतु टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ये सत्य को याद रखा नहीं कि मैं यूनिक हूं, आप किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे। दुनिया की कितनी भी बड़ी हस्ती हो, उससे मेरा क्या मतलब? मैं हूं, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, मेरा जो रोल है वो मुझे प्ले करना है। हाँ, दूसरे जहां है वहां आई अप्रिशिएट, क्योंकि वो भी विशेष आत्मा है। मैं यूनिक हूं, न्यारी हूं, कभी किसी के लिए अभाव नहीं होगा, नफरत भाव नहीं होगा, खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे और दूसरों को सेल्फ रिस्पेक्ट से देखेंगे। तो मैं यूनिक हीरो हूं, मिल गया हीरो, मैं यूनिक हीरो हूं, नंबर वन। दूसरा, भगवान के बाद मेरा नंबर है, मैं भगवान को जानती हूं। अब भगवान से मेरा सीधा रिलेशन है, वो मेरा माता पिता गुरु बंधु स्वामी सखा मित्र संबंधी साजन सब कुछ है मेरा, मैं और भगवान। भगवान के बाद मेरा पहला नंबर। जो कुछ भगवान को संभव है वो सब कुछ मेरे लिए संभव है। ताली बजाओ, आपके लिए भी संभव है। मैं ग्रेट हूं, साधारण नहीं हूं, मैं महान आत्मा हूं। और तीसरा, क्योंकि मैं यूनिक हूं, क्योंकि मैं ग्रेट हूं, भगवान का बच्चा हूं, मैं लकीएस्ट हूं, भाग्यवान हूं। मेरे भाग्य की कॉपी कोई नहीं कर सकता और मेरे भाग्य से कोई छीनने वाला नहीं है। अपने भाग्य पर गौरव करो कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। इतना तीन चीजें रोज सुबह उठ के याद कर लो, मैं यूनिक हूं, मैं ग्रेट हूं और मैं लकी हूं। यूनिक, ग्रेट एंड लकी, मुझे मेरा हीरो मिल गया। आप सबको भी अपना हीरो मिल गया, अपने लिए ताली बजाओ। अब 5 मिनट। अच्छा, प्रश्न उत्तर का तो स्पेशल सेशन है ना, 5 मिनट। मैं एक ही वैल्यू की अनुभूति कराती हूं, फिर आत्मा के सातों गुणों की अनुभूति आप अपने तरीके से जितने समय करना चाहो कर सकते हो। एकदम रिलैक्स होकर के बैठे, तीन डीप ब्रीदिंग करें, गहरे 3 श्वास लें, पहले एक बार मैं ओम का मंत्र ध्वनि उच्चारण करेगी, उसी रीति से फिर हम सभी साथ में 5 बारी ओम ध्वनि करेंगे,
और बाद में हम आत्मा के शांत स्वरूप की अनुभूति की ओर जाएंगे। चेतना को मस्तिष्क में दो भ्रमर के बीच अनुभव करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। शांति मुझ आत्मा की वास्तविकता है। शांति मुझ आत्मा की वास्तविकता है। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मुझे बहुत प्रिय है। मैं आत्मा शांति से चिंतन करती हूँ, शांति से बातचीत करती हूँ, शांति का व्यवहार करती हूँ। शांति के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा शांति का अवतार हूँ। शांति दूत हूँ। शांति का फरिश्ता हूँ।
परमात्मा से प्राप्त शांति मुझ आत्मा के द्वारा मेरे चारों ओर और पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं शुभ भावना करती हूँ विश्व की सर्वात्माओं को खुशी प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। ओम शांति। अपने शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होते हुए अपने साकार शरीर के द्वारा हर कर्म करने का संकल्प लेते हुए आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। ओम शांति।